गाइस वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल, मैं राकेश कुमार। दोस्तों आज की वीडियो में बात करूंगा ओटीटी के बारे में और साथ ही दोस्तों बताऊंगा वेब सीरीज़ ओटीटी की भी सेंध की जा रही है, इलीगल तरीके से टेलीकास्ट करने को लेकर गिरफ्तारी हुई है, उसी से रिलेटेड आज का अपडेट रहने वाला है। तो बने रहे इस वीडियो में, और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, वो भी सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में आपको बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि कुछ ऑपरेटर्स ने स्टार के जो चैनल से अनऑथराइज तरीके से चलाए थे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि पायरेसी करने के नहीं करना चाहिए, अगर आप पायरेसी में पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर बहुत तगड़ा जुर्माना और साथ में जेल भी हो सकता है। उसी तरीके का एक और आज अपडेट है, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, वेब सीरीज और ओटीटी पर भी सेंध लगा रही है, गिरफ्तारी भी की गई है। बेसिकली साइबर क्रिमिनल वेब सीरीज और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सेंध लगा रहे हैं। इन पर प्रसारित होने वाली फिल्मों और धारावाहिकों को टेलीग्राम वीडमेट के माध्यम से डाउनलोड करते थे, जिसके बाद उसे थर्ड पार्टी ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग किया जाता था, यानी कि लाइव मूवी दिखाया जाता था, लोग देखते थे और वहां से उनको अच्छे खासा रेवेन्यू जनरेट होता था। साथ ही दोस्तों बता दूं कि उसे थर्ड पार्टी ऐप पर डाउनलोड स्ट्रीमिंग से लाखों रुपए की ठगी कर रहे थे। और साइबर सेल और सागंज पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त सत्यनारायण ने बताया कि स्टार इंडिया चैनल के हेमंत टंडन ने पुलिस आयुक्त से शिकायत की थी और बताया था कि उनके चैनल कंटेंट फिल्म धारावाहिक वेब सीरीज आदि टेलीग्राम टोरेंट जैसे प्लेटफॉर्म पर डाले जा रहे हैं और वहां से बेधड़क लोग डाउनलोड कर रहे हैं और स्ट्रीमिंग कर रहे हैं इलीगल तरीके से। ऐप के माध्यम से डाउनलोड किया जा रहा है, फर्जी तरीके से थर्ड पार्टी को लाइव प्रसारण कर लाखों रुपये आरोपी कमा रहे थे। जाँच साइबर सेल को सौंपी गई है। साइबर प्रभारी सुल्तान सिंह और एक्सपर्ट विजय तोमर और उनकी टीम ने जांच की है। उन्होंने पाया कि जिस कंपनी की ओर से कंटेंट का प्रसारण किया जा रहा था, उनके निदेशक आशिक दीक्षित और आकाश दीक्षित हैं। मामले में शाहगंज थाने में कॉपीराइट एक्ट के प्राथमिकी लिखी गई है। जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपी आशीष निवासी मुरली शाहगंज को गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि पुलिस से पूछताछ जो की गई है उसके अंतर्गत बताया गया है कि स्ट्रीमिंग के लिए 8 ऐप सुपर मैट ऐप के साथ बनाकर डाउनलोड किए थे, जिस पे 14,500 सब्सक्राइबर है, और ओटीटी पर जारी होने वाली फिल्मों वेब सीरीज आदि को ऐप के माध्यम से डाउनलोड करते थे, उसे होस्ट करके लोगों को दिखाते थे। तो आप सोच रहे होंगे कि वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, तो वीडियो बेसिकली मैं अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ कि आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ करते हैं या थर्ड पार्टी चीज़ों को इलीगल तरीके से पायरेसी करके दिखाते हैं, जिसकी वजह से पकड़े जाने पर आप पे कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे कोई भी थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड पार्टी स्ट्रीमिंग या आप कोई ऐसी चीज़ें व्यवसाय ना करें, अगर आप करते हैं पकड़े जाते हैं तो बहुत तगड़ा जुर्माना होने वाला है। तो ये अवेयरनेस था आप लोगों के लिए। होप्स आपका वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरीके का अपडेट पाने के लिए आप बेल आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स लॉट।